अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेल, आज मैं एक और नया एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज इस ब्लॉग में मैं कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ किचन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखी हैं। तो आइए देखते हैं हमारे बुज़ुर्गों की टिप्स। टिप नंबर वन, आप लोगों के घरों में ऑब्वियसली दालें तो होती होंगी, चाहे वो मूंग मसूर की हो या मसूर की हो या चने की। हमारे घर में भी यही दालें होती हैं, बाकी दालें हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती हैं। और ये वाला टोटका या ये वाली टिप जो है वो आप बाकी जैसे लोबिया हुआ या चने हुए या काले चने हुए उस पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में और मानसून के मौसम में दालें जो हैं वो नमी के नम हो जाती हैं और फिर इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप इसके अंदर तेज़पात पत्ता उसको छोटे छोटे कर लें या एक बड़ा कर लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, यानी वो दालों के अंदर चले जाएँ। मेरी काफ़ी कोशिश थी कि मैं अंदर कर लूँ, लेकिन बाद में मुझे आया कि मैं एयर टाइट करके फिर उसके ऊपर नीचे कर लेती, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त कुछ ख़ास मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ही सोचा कि मैं इसी तरह जो है अपने हाथों से जो है वो तेज़पात को इसके अंदर कर लूँ और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह शेक करिए और फिर उसको एयर टाइट ढक्कन से बंद कर दीजिए। तो इससे यकीन करें कीड़े आपके नहीं आते दालों में, आपकी दाल कम अज़ कम एक महीना तो या एक महीने से ज़्यादा भी चल जाती है इस तरह। यानी आप आराम से दालों को एक महीने तक या एक महीने से ज़्यादा जो है आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। टिप नंबर टू है टमाटरों की। अच्छा, यहाँ पे ये है कि देखें टमाटरों की टिप्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको सेव कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपके लिए दो तरीके लेकर आ रही हूँ टमाटरों को सेव करने के लिए, और तीसरा तरीका मैं आपको नॉर्मल ओरली बता दूँगी। टमाटर जो है आजकल जैसे कि महंगे भी बहुत हो रहे हैं तो दिल यही करता है, और लाल लाल टमाटरों को देख के तो मेरा बड़ा दिल जल जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा टमाटर ले लूँ। तो मैं कम अज़ कम बहुत ज़्यादा यानी 1 से 2 किलो टमाटर तो ले लेती हूँ महीने के लिए। अब मसला यह है कि गर्मियों में जो है टमाटर अगर फ्रिज के अंदर रखे जाएँ तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यानी ये जो टमाटरों की जो मेन टिप है यानी जो हरा हरा जो एरिया है इसको जो है सिक्योर करना होता है। तो इसको सिक्योर आप बेशक टेप से कर लें जिस तरह मैंने अभी चिपका है, या आप मोम से कर लें। इस चीज़ को हमें एक तरीके से कवर देना पड़ता है। तो इस चीज़ को कवर देने के लिए आप टेप से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं और मोम से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यानी जिस टोकरी में आप डालें उसको आप उल्टा करके रख सकते हैं, यानी वो जो ये जो इसका हरा हरा पार्ट है वो जो है नीचे दब जाए यानी वो बंद हो जाए। तो ये है तरीका इसको सिक्योर करने का। और फिर इसको आप किसी भी टोकरी के अंदर टिशू या मैट जिस तरह मेरे पास है कि इसके अंदर रख कर आप फ्रीज कर लें। टिप नंबर थ्री, आजकल कीड़े मकौड़े और ख़ासतौर पे चूटियों से तो मुझे नफ़रत है। तो चूटियों से जो मीठी मीठी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि शक्कर हुआ या गुड़ हुआ या आप किसी और में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन जगहों में भी रख सकते हैं आप लौंग जहाँ पे ज़्यादातर चूटियाँ आती हैं। तो मैंने अभी सिर्फ आपको ये दिखाया है कि मैंने शक्कर और गुड़ में जो है वो चूटियाँ लौंग डाली हैं और मिक्स कर दी हैं, तो इस तरह चूटियाँ नहीं आएंगी। और आप उन एरियाज़ में भी रख सकते हैं जहाँ चूटियाँ आती हैं। टिप नंबर फोर, अच्छा यहाँ पे भी वही मैं आपको उसी से मिलता जुलता बता रही हूँ कि आप जो है जैसे जामिशेरी है ऑब्वियसली मीठा होता है और इसके नीचे का जो सरफेस होता है वहाँ चूटियाँ आ जाती हैं। तो मैंने क्या किया है, कोई भी तश्तरी ले लें या कोई भी ऐसा पाव ले लें जो आप यूज़ नहीं करते हों, उसके अंदर आप पानी भरें और फिर सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस को डिप कर दें, या इसके अंदर आप लौंग भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी चूटियाँ नहीं आएंगी। टिप नंबर फाइव, आजकल जितनी भी शीशियाँ आती हैं जैसे कि अदरक लहसुन की होती हैं, बाकी और भी शीशियाँ होती हैं, उसका ये वाला जो स्टिकर है वो आराम से नहीं उतरता। तो उसके लिए क्या करना है, आप बाउल में पानी भरें, नॉर्मल पानी, और उसको आप डिप कर दें और इस तरह डिप करेंगे ये पूरा का पूरा डिप हो जाए, और फिर आप थोड़ी देर बाद 5 या 10 मिनट के बाद आप देखें ये कागज़ आराम से उतर जाएगा जो कि पहले मुझसे आराम से नहीं उतर रहा था। तो इस तरीके से आप इस वाली शीशी को आराम से किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर सिक्स, टिप नंबर सिक्स ये है
कि अच्छा ये मेरा आजमूदा है और ये एक तरीके से मेरी अम्मी ने मुझे बताया, जो कि मैंने आप लोगों को कहा है कि ये सारी जो टिप्स हैं वो बड़े बुज़ुर्गों की हैं, तो ये अम्मी मुझे हमेशा बताती हैं कि कभी दाल हो या कभी कड़ी हो उसको उबलते हुए मैं आप चमची डाल देंगी तो आपकी दाल कभी नहीं गिरेगी। ये अभी दाल इसलिए गिरी क्योंकि मैंने जल्दबाजी में चमची नहीं डाली, और जब मैंने चमची डाली ये देखें दाल भी बिल्कुल उसी आँच में है, यानी हम धीमी आँच से थोड़ी से ज़्यादा है तो ये उबल नहीं रही है। टिप नंबर 7, ये सारे लेमन्स जो हैं वो मेरे किचन गार्डन के हैं, अभी 4-5 थे उस वक्त तो इसलिए मैंने 4-5 दिखा दिए, और उसी जार में मैंने इसको सेव कर रही हूँ जिस जार से मैंने अभी स्टिकर निकाला है, और इसमें हमने लेमन्स डाल दिए और फिर इसको फुल कर दिया नॉर्मल पानी से और इसको एयर टाइट कर दिया और फिर हमने इसको रख दिया फ्रिज में। यकीन करें ये लेमन सेव हैं आपके पास एक महीने तक, वरना अगर लेमन्स को हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो कुछ बहुत ही सख्त हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। टिप नंबर एट वही बात आ जाती है कि हर किसी की बहुत सारी टिप्स होती हैं, इसी तरह हरी मिर्चों को सेव करने के भी बहुत सारी टिप्स हैं। मैं आपको एक ओरली बता रही हूँ और एक प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ। आप हरी मिर्चों के इस तरह डंठल काट लें, अच्छा डंठल काटने का मकसद यह है कि सिर्फ स्टिक को काटना है। मैंने देखें अभी आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि मैंने गलती से पूरा जो उसका ऊपर का पार्ट है वो काट दिया था, वो नहीं काटना आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चों की स्टिक्स काटनी है। वो ये देखें ये मैंने जो है पूरा ऊपर का काट दिया था, ये इस तरह नहीं काटना, आपको सिर्फ स्टिक्स काटनी है। और फिर क्या करना है आपको, ओरली ये बता देती हूँ कि एक टिश्यू पेपर लें और उसके अंदर आप कवर करके एयर टाइट बॉक्स में आप रख सकती हैं। दूसरा तरीका ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप नॉर्मली शीशी लें या आप डिब्बा भी ले सकती हैं और इस तरह आप इसके अंदर डाल दें और हल्की सी यानी एक चमची हल्दी या आधी चमची हल्दी का पाउडर आप इसके अंदर डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर दें। इस तरीके से भी हरी मिर्चें सेव हो जाएंगी, और साथ ही साथ जब आप हरी मिर्चों को तलना चाहें तो इसमें सिंपल आप धनिया नमक सिंपल आपको इसमें डालना होगा और इस तरीके से आप हरी मिर्चें तल भी सकती हैं, है ना बेस्ट तरीका, यानी एक पल में 2-3 काम। तो इस तरीके से आप हरी मिर्चों को सेव भी कर सकती हैं। दूसरा तरीका भी मैंने आपको कहा कि अखबार में या टिश्यू में आप लपेट के रख सकती हैं ऊपर नीचे करके, और जब आप हरी मिर्चों का सालन बनाएं तब भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर नाइन अदरक लहसुन हर घर में पिसता है, तो आप ये देखती हैं, अच्छा मेरे साथ काफ़ी मसले होते थे क्योंकि मैं अम्मी को मैंने बताया तो अम्मी ने फिर ये कहा कि वो मसला क्या होता था, पहले ये बता दूँ, वो मसला ये होता था जब मैं अदरक लहसुन पेस्ट पीसती थी तो थोड़े दिनों बाद देखती थी कि उसमें हरा रंग हो जाता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऑयल डालना है और नमक डालना है और अच्छी तरह पीस बनाना है। थोड़ा सा मैंने क्यूब्स में जमा दी है अदरक लहसुन के पेस्ट, बाकी जो है वो मैंने शीशे के अंदर डाल दी है। तो इस तरीके से आपका अदरक लहसुन का पेस्ट कभी हरा नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप नंबर टेन जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी है और बहुत मुझे मज़े की लगती है, और वो इसलिए क्योंकि इसको करने में बहुत मज़ा आता है, और वो ये कि आप लोग ऑब्वियसली अपने डीप फ्रीज़र और फ्रिज वगैरह साफ़ तो करते होंगे, तो सबसे पहले डीप फ्रीज़र जो है हमारा जब साफ़ होता है ना तो पहले मैं क्या करती थी कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे या दिन को ऑफ कर दिया और फिर रात को कहीं जाके सफाई हो रही है, लेकिन इस वाली टिप से जो है बहुत आसानी हो गई है। लिटरली मतलब आपकी ये जो बर्फ़ है ये बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती है, वो इस तरह कि जिस तरह ये आप गर्म उबलता हुआ पानी आप देख रहे हैं, ये मेरा चाय का पतीला है, तो इसमें मैंने गर्म उबलता हुआ पानी मैंने डीप फ्रीज़र के अंदर रख दिया, डीप फ्रीज़र मैंने बंद कर दिया था यानी ऑफ कर दिया था, और यकीन करें लिटरली आधे या 1.25 घंटे के बाद जब मैं फ्रीज़र खोला है तो अव्वल तो बात थोड़ी सी बर्फ़ पिघली हुई हुई भी थी, जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं कि पिघली हुई यानी मेल्ट हुई भी थी, और ये देखें ये पहले से ही मेल्ट होके नीचे गिर गई थी। हाँ कुछ कुछ बर्फ़ ऐसी थी जो कि मेल्ट नहीं हुई थी, जो बहुत सख्त जान थी, लेकिन उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसके लिए भी मैंने थोड़ी देर के लिए 10 मिनट और गर्म कर दिया पानी, और 10 मिनट के बाद फिर मैंने दोबारा पानी रख दिया और ये दोबारा जो है बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो गई बहुत आसानी से। तो इतनी मुझे अच्छी लगती है ये वाली टिप, पहले मुझे बहुत उलझन होती थी कि अरे अब मुझे फ्रिज साफ़ करना है फ्रीज़र साफ़ करना है, फ्रिज तो मैं कर लिया करती थी लेकिन मैं फ्रीज़र साफ़ नहीं करती थी कि भाई बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रिज में तो बर्फ़ जमती नहीं है, फ्रिज तो फ़ौरन साफ हो जाता है।
तो इसलिए जो है मुझे फ्रीज़र को साफ़ करने में बहुत उलझन होती थी कि क्या मैं अब सुबह से बंद करूं और रात को करूं। लेकिन बहरहाल इस वाली टिप से जो है मुझे बहुत आसानी हुई। ये देखें इतनी सारी बर्फ़, तकरीबन आधे पौन घंटे में ये बर्फ़ निकली है, और इस तरीके से डीप फ्रीज़र आपका साफ़ शफाफ हो गया। यानी ये वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब बर्फ़ निकल गई थी, और फिर आगे मैंने आपको ये दिखाया है कि इस तरीके से फ्रीज़र तैयार। तो बहरहाल जो बुज़ुर्ग जो लोग हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो लोग हैं जिन्होंने टिप्स निकाली हैं, ऑब्वियसली वो आजमूदा हैं, सारी की सारी मेरी टिप्स आजमूदा हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। वो व्लॉग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी दुआ में याद रखूँगी। इंशाल्लाह फिर जल्द नए व्लॉग के साथ हम हाज़िर होते हैं। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।